नमस्कार, मैं तरुणा सेठी सिंपली ब्यूटीफुल से, और आज हम बैग बनाने लगे हैं। कुछ समय पहले हमने ये ब्लॉग बनाना सीखा था और हमने ये कहा था कि हम इसका एक बैग बनाएंगे, और ये हमारा रेडी बैग है। ये जो हमारा रेडी बैग है वो रेड कलर में है। अब हम इसी प्रिंट्स को, इसी डिज़ाइंस को येलो में, तो हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो ये हमारे उस डेमो के ब्लॉक्स रेडी हैं और अब हम इनको जोड़ेंगे। पहले मैं आपको इसका लेआउट दिखा रही हूँ। ये तीन और तीन, छः ब्लॉक्स हमने एक साइड पे यूज़ किए हैं इस तरह से। ये एक साइड है। अब आप इसकी जो ब्यूटी है, आप देखिए, ये प्रिंट जब इकट्ठे हो जाते हैं तो एक परफेक्ट स्क्वायर लगता है, और यहाँ पे वो जो दो वाइट कलर्स हैं वो एक डायमंड बन जाते हैं। तो और ये हमारा स्पिनिंग स्टार जो हमारा ब्लॉक है, और अब हम इनको जोड़ेंगे, जॉइन करेंगे, सीम टुगेदर करेंगे। फिर से याद रखिए, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ पे दो कपड़े मिले हैं और आपने उसको खोल के प्रेस किया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आमने सामने आएगा, तो वो बिल्कुल एक साथ मिला के आप पिन कर लीजिए। और ऐसे ही आप रोज बनाइए। तो अब आप इसको ज्वाइन करेंगे, और ये जब आपके दो रोज तैयार हो जाएंगे तो ये ऐसे दिखेंगे, जिनको मैंने पहले से ही प्रेस करके रेडी कर लिया है, और ये दो रोज हमारी तैयार हो। ऐसे हम आपके हम कहेंगे कि ये एक साइड है, ये एक साइड है, तो आप इसी तरह से पीछे के लिए भी आप ब्लॉक्स असेंबल कर लेंगे। यानी इसमें हमको 12 ब्लॉक्स चाहिए, 12 स्पिनिंग स्टार के ब्लॉक्स चाहिए, 6 एक तरफ और 6 दूसरी तरफ। तो उसको आप फिर ये रोज को ज्वाइन कर लीजिए इस तरह से, और सेम वे। तो ये हमारे दो फ्रंट एंड बैक रेडी हो गए। अब हमने डिसाइड किया है कि ये जो साइड है, हमारी साइड्स हैं, इनको हम इसके साथ कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ करेंगे, और हमारे हैंडल्स भी हम, ये जो हैंडल है, इसी फैब्रिक से बनाएंगे। हमारा ये जो बैग है काफ़ी अच्छा साइज़ का है, स्टर्डी है। इसमें हम कुछ हैवी चीज़ें भी रख सकते हैं, भारी भारी चीज़ें, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो हमारा आईपैड है, या जिम बैग है। तो इसको थोड़ा स्टर्डी करने के लिए हमने इसको थोड़ा सा ब्रॉड बनाया है। आप देखिए, इसको थोड़ा ब्रॉड बनाया है। तो ये जो डायमेंशन हैं, ये साइज़ हैं, हमने इसको 3.5 इंच चौड़ा काटा है, ताकि ये सपोर्ट कर सके, आपके शोल्डर्स को ज़्यादा दर्द ना हो, पोक ना करे। तो ये 1, 2, 3 और ये 3.5, उस हिसाब से हम अपना पट्टा काटेंगे। इसके अलावा हमको एक इनर लाइनिंग चाहिए। ये जो है हमारा टॉप है, ये जो टॉप है हमारा, इसके अंदर की लाइनिंग, ताकि ये हमारी सिलाई वाला हिस्सा रह सके, तो हमको ऐसे लाइनिंग चाहिए। तो इस बैग के लिए हमने डिसाइड किया है कि हम यही वाला चेक यूज करेंगे। तो ये करीब 18 इंच बाय 12 इंच का अप्रॉक्सीमेटली हमारा ये स्ट्रिप है। तो हम उस नाप से इस कपड़े को भी काट लेंगे। इस तरह से ये हमारा कपड़ा रेडी बैठा हुआ, और क्योंकि ये एक बॉक्स बैग है, एक बॉक्स शेप है ये जो किनारा है, इसके लिए हमको अंदर भी जब हम ये लाइनिंग डालेंगे उसमें भी हमको ये बॉक्स के लिए पट्टा चाहिए। अब हमको इसको थोड़ा सा हमने थिकनेस के लिए बैटिंग यूज़ की है, जिसको इंडिया में पैडिंग बोलते हैं। कुछ आती हैं जो फ्यूजेबल होती हैं, मेरे पास वो वाली पड़ी हुई है, तो इसलिए मैं उन्हीं को यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको फ्यूजेबल नहीं मिले, फ्यूजेबल जिसको, फ्यूजिंग का मतलब होता है चिपकाना, अगर वो नहीं मिले तो आप रेगुलर बैटिंग भी ले सकते हैं या पैडिंग, और उसको आप पिन अप करेंगे। और अगर ये आपको मिल जाती है आसानी से, तो आप अपना जो फिनिश्ड ब्लॉक है आप उस पर रखिए, दाने वाला हिस्सा ऊपर, और इसका जो बैक साइड है वो दाने वाले हिस्से को छूना चाहिए। उसको आप ऐसे इकट्ठा करके, एक एक करके आप इसको प्रेस कर लीजिए और इसको आप फिक्स कर लीजिए, ताकि आप इसके बाद जब काम करें इसके साथ, तो वो किसके
लेकिन वो जो लेयर, दो लेयर बन गई हैं ऊपर पीस फैब्रिक की और नीचे फ्यूजिंग की, वो एक साथ इकट्ठी रहती है, तो वो फिर आपको आगे अपने प्रोजेक्ट को पढ़ने में आसान रहता है। तो अब हमारी दोनों साइड्स अटैच हो गई हैं फ्यूजिबल बैटिंग के साथ। अब हमें हमारे जो हमने हैंडल्स काटे हैं उसके लिए भी हमको फ्यूजिबल बैटिंग लगानी है, उसको भी हमने स्टर्डी बनाया है। देखिए आप उसी तरह से हैंडल की रॉन्ग साइड पे और वो फ्यूजिंग, तो वही जैसे मैंने कहा आपको, अगर गम है तो दाने वाला हिस्सा जो है वो ऊपर आएगा और रॉन्ग साइड कपड़े की उल्टी तरफ जो है वो उसको छुएगी, ताकि राइट साइड पे ये आप ऐसे फिक्स करके इस प्रकार से फिक्स करेंगे और इसको आप आयन करके फिनिश कर देंगे। मैंने एक आपको दिखाने के लिए पहले ही रेडी कर दिया है, ये आयन हो गया है इसको। अब आप इसको जब हैंडल बनाना है, अब आप देखेंगे कि ये बैक साइड में बैटिंग है और ये हमारा फैब्रिक है। अब हम दूसरा फैब्रिक लेंगे और हम इसको इसके साथ मिला के, अब देखिए मैंने क्या किया है, राइट साइड्स आमने सामने टुगेदर है, फेसिंग ईच अदर, बैटिंग इसके बैक साइड में है और हम इसको पिन अप कर रहे हैं। इसमें आप जो सिलाई करेंगे आप दोनों तरफ करेंगे, ये दोनों साइड्स खुली रहेंगी, इनको आप नहीं चारों तरफ से मत सीजिएगा, क्योंकि इसको हम अभी सीधा कर रहे हैं, तो आप इसको ऐसे उल्टा करके सिर्फ दो साइड्स आप इसको रेडी कर दीजिए। तो अब ये हमारा ये हैंडल रेडी हो गया है। ये इतना बड़ा पन्ना है हमारा, 58 की विड्थ है, तो अब हम इसको आधा कर लेंगे तो हमारे दोनों साइड के लिए ये काम आ जाएगा। तो ये हमने अपनी सिजर्स से इसको आधा किया, अब इसको सीधा करना है। तो अब हम एक साइड पे बैटिंग रहने देंगे और दूसरी साइड पे ये बिना बैटिंग के हम इसको सीधा करने की कोशिश करेंगे। मैंने अपने लिए एक ईजी वे आउट करा हुआ है, किचन में जाके मैंने किचन में देखा है, मैंने बहुत सारे क्विल्टिंग औजार मुझे मिल जाते हैं, तो ये बहुत आसानी से अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आप इसको सीधा कर सकते हैं। तो ये हमने इसको सीधा कर लिया है, इसको एक बार हम प्रेस करेंगे, जहाँ पे हमने सिलाई करी थी हम उस पॉइंट से ही इसको आयन करेंगे। ये एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग वीकेंड फैमिली एक्टिविटी हो सकती है, प्रोजेक्ट यू नो। एंड अगर आप देखिए, अगर ये आप अभी डेवलप कर रहे हैं एज अ फैमिली, तो ये एक बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आपकी लाइफ में ये चीज़ बन सकती है। तो आई एम श्योर के आपके परिवार के अन्य सदस्य आपके साथ इसमें पार्टिसिपेट करने में इंजॉय करेंगे। आप डिवाइड कर लीजिए, कोई कटिंग कर देगा फैब्रिक की और कोई स्टिचिंग कर देगा और कोई पिनिंग कर देगा और फिर कोई हैंडल बना देगा, तो पलक झपकते ये चीज़ आपकी तैयार हो जाएगी। आप ये दोनों को उसी तरह से टर्न करेंगे और आयन करके इसको आप एक सिलाई देंगे, एक स्टिच और देंगे, ये देखिए, ताकि ये स्टडी हो जाए। तो एक दोनों तरफ आप फिर से सिलाई कर दीजिए। इस तरह से आप ये दोनों हैंडल्स तैयार कर लीजिए। अब ये जब आप हैंडल लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा कि ये एकदम ऐसे आए कि आपके शोल्डर पे आए, और आप देख रहे हैं कि ये मैं सीधी साइड पे पिन करने की कोशिश कर रही हूँ। हम इसको नाप लेंगे, देखिए ये 18 है, यानी ये अगर हम इक्वल करते हैं तो यहाँ 9 और उसका आधा 4.5, आधा आधा करके 4.5, तो हम इसको हमारे जो हैंडल को है वो हम 4.5 के सेंटर से, तो मैं ये चौक से इसको मार्क कर रही हूँ 4.5 की पॉइंट, और यहाँ पे मैं
13:30 की मार्क पे। आप देख रहे हैं मैंने इसके चार हिस्से कर लिए, 18 के चार हिस्से करे, 9 सेंटर आया और उसका आधा इस तरफ और उसका आधा इस तरफ, तो हमने 4:30 के अंदर में मार्क कर लिए, सेंटर के बदले हमने उसको अंदर ले लिया है। अब हम अपना जो बैकिंग वाला कपड़ा है, ये वाला जो हमने काटा था, हम इसको भी उल्टी तरफ रखेंगे, राइट साइड टुगेदर, अंदर हैंडल और जो हमारा ब्लॉक वाला फ्रंट पैनल है उसके ऊपर ऐसे, यानी हैंडल इन दोनों के बीच में सैंडविच हो जाएगा। अब हम इसको बहुत ध्यान से मशीन करके सिल देंगे। ये हमने एक साइड कंप्लीट कर ली है और उसी तरह से हम अपनी दूसरी साइड भी अभी रेडी कर लेंगे। देखिए ये आपका फ्रंट एंड बैक रेडी हो गया है, इस तरह से हम दोनों साइड कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारे ये दोनों फ्रंट एंड बैक रेडी हो गए, हैंडल्स लग गए हैं, बैकिंग लग गई है, क्योंकि थोड़ा सा फूला फूला लग रहा है, इसको एक बार मैं प्रेस करके सेटल कर देती हूँ, दबा देती हूँ। थोड़ा कपड़ा इधर उधर होता है, इसके लिए हम जो इनर्स हैं थोड़ा बड़ा रखते हैं, बैटिंग इसीलिए हम बड़ी रखते हैं क्योंकि थोड़ा खिसकता ही है। अब हमारे दोनों फ्रंट और आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा बिल्कुल रेडी है। पीछे से चेक कर लीजिए जहां हमने फिक्स किया है, बिल्कुल अलाइनमेंट हो उसकी, बिल्कुल एकदम एक साथ हो। अगर थोड़ा कपड़ा खिसक गया है तो उसको आप थोड़ा सा सीधा कर लीजिए, जो थोड़ा सा एक्सेस है जो हमने ताकि कपड़ा फिसलने के लिए हमने जो स्कोप रखा था वो अब हम ट्रिम आउट कर देंगे। आपके गिफ्ट ऑफ लव के लिए, मनी कैन नॉट बाय के लिए आप करिए तो आपका प्रोडक्ट बहुत सुंदर बनेगा। तो अब हम लास्ट स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे हम ये दोनों साइड जोड़ेंगे, और उस जोड़ने के लिए हमने ये 3.5 इंच का स्ट्रिप पहले से काट रखा था। अब हम इसको सिर्फ ये बैटिंग के साथ जोड़ देंगे, ग्लू एंड रॉन्ग साइड अगर फ्यूजिबल है तो, और अगर रेगुलर है तो आपको इस बस पिनअप करना है, उसको आप ऐसे आयन कर लीजिए या पिनअप कर लीजिए। और इसमें कोई बैक नहीं है, इसमें फ़िलहाल कोई बैक नहीं है, आप इसको ऐसे थ्रू आउट आयन कर लेंगे। तो ये मेरी एक रेडी बैटिंग तैयार है, देखिए 3.5 इंच चौड़ा है और अभी मैंने पूरा पन्ना रखा है ताकि जितना हमें चाहिए फिर बैलेंस हम उसको काट लेंगे। तो ये होने के बाद अब हम अपने पहले बैग के ऊपर इसको फिक्स करने की शुरुआत करते हैं। ये हमको बाहर दिखना चाहिए, ध्यान रखिएगा हम इसको ऐसे कर रहे हैं कि ये हिस्सा हमारा बाहर आएगा, तो इसके लिए हम इसको इस तरह से फिक्स करेंगे। ये तीनों लेयर्स को हम कनेक्ट करेंगे इसके साथ। हमने बायस में भी दिखाया है, इसको बहुत ध्यान से करेंगे। जो हमारे टेलर्स हैं, प्रोफेशनल मास्टर्स हैं, वो इस पे इस पॉइंट पे आके जरा सा कट दे देते हैं, जरा सा
छिलका दे देते हैं। हमने तीनों बैटिंग के साथ इसको फिक्स कर दिया है, अभी हम एक्स्ट्रा नहीं काट रहे। अब हम इसको स्टिच करना शुरू करते हैं, जोड़ना। मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है ऊपर के, बाद में फिर हम इसको ट्रिम आउट कर लेंगे। आप ये याद रखिएगा कि जब आप इस पॉइंट पे आए कि ये जुड़े ना, ये फ्री रहे, जहाँ पे हमने टर्न अराउंड किया है, जहाँ पे हमने इसको मोड़ा है, वो जुड़ना नहीं चाहिए, वो बस सीधा सिलते जाना चाहिए। आप ओवरलैप पे इसको ज्वाइन करेंगे जहां पे ये लास्ट पे आता है, ठीक है। अब ये कपड़ा हम इसको जब सुई नीचे होती है मशीन के और हम टर्न करते हैं, उसको पिवट बोलते हैं, हम पिवट पे इसको टर्न कर देंगे, एक स्टिच ऑन करके, इतना करके हम इसको टर्न करेंगे ऑन द पिवट। आप पैटर्न में पढ़ेंगे तो बोलेंगे कि टर्न ऑन द पिवट, तो ये पिवट है। टर्न ऑन द पिवट और ये फैब्रिक जो हमने जोड़ा है उसको साइड में कर लीजिए। तो इस तरह से हमारे कॉर्नर्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं, फिनिश्ड हो गए। अब हम इसको ऐसे टर्न कर लेंगे अंदर ये वाले को, और जो हमारा दूसरा है, अब आप देखिए हम ये जो फिनिश्ड पार्ट है उसको अंदर फेस करेंगे। अब हम ये जो पास फाइनल फिनिशिंग पे आए हैं, अब हम इसको ऐसे मिलाएंगे, आप देखिए इस तरह से। लेकिन अब खाली एक चीज आप देखेंगे, ये अंदर इतना सुंदर लग रहा है, खाली इधर एक पैडिंग आ रही है। ये हमने एक और 3.5 इंच का स्ट्रिप रेडी किया हुआ है, जिसको हम राइट साइड टुगेदर इस बैग के साथ रखेंगे ऐसे, और ये स्ट्रिप को भी हम साथ में, तो इसकी पिनिंग हम 3-फोल्ड कर रहे हैं। आप देखिए ये स्ट्रिप जो इसको कवर करने वाला है इस प्रकार से, जो ये साइड है एक, और जो हमने पहले जिसके साथ बैंड लगा दिया है, वो तीनों साइड्स को हम अब ज्वाइन करेंगे। अब हम इस टर्निंग पॉइंट पे आ रहे हैं, आप देख रहे हैं हम ये बैंड, लेयर ऑफ फैब्रिक जो हमारा है, ब्लॉक या सैंडविच बोलते हैं हम, उसके कॉर्नर पे जब आए हैं तो हमने इसको एक पिन कर दिया है। लेकिन ये टर्न हम जब करते हैं तो ये टर्निंग थोड़ा ध्यान रखिए, बिल्कुल जैसे बायस बाइंडिंग की टर्निंग करते हैं, जैसे हम बाइंडिंग हमने आपको हमारे ट्यूटोरियल में डेमो दिया हुआ है, उसी प्रकार से इसको आप टर्न करें। ये तो पिन है, ये ट्रायंगल है, ये इसको मिलाएंगे कोने से और फिर इसको आप पिन करेंगे इस तरह से, और फिर आप कपड़े को देखिए, आप एक राइट ट्रायंगल बना रहे हैं, ये यू, और फिर आप इसको आगे ले रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। और अब आप कंटिन्यू करेंगे इसको जोड़ना, तीनों लेयर्स सीधी लाइन पे रहें, आगे पीछे ना हो, थोड़ा सा ध्यान रखिए।
थोड़े ज्यादा पिन लगा लीजिए ताकि एकदम प्रिसाइज फिनिश आए। तीनों तरफ पिनिंग कर ली है, अब हम इसको फाइनल स्टिच दे रहे हैं। और क्योंकि ये काफी लेयर्स हैं, आप थोड़ा सा इसको पीछे से पुल कर लीजिए। जब आप याद रखिएगा ये जो हमारा ट्रायंगल है ये खुला रहे, इसके ऊपर सिलाई ना करिए, ये हमको ओपन फ्लैप चाहिए, तो वो आप ध्यान रखिएगा। और अब हम इस कॉर्नर पे आ गए हैं, एक पिविट पे रहने देना आपकी सुई को, यानी नीचे रहने देना, और आप इसको टर्न कर देना। अब हम फिर टर्निंग पे आ गए हैं और फिर हम ये फ्लैप का ध्यान रखेंगे जो हमने मोड़ा है, बहुत बहुत ध्यान से। हमारा तीनों साइड्स जुड़ गई, दो साइड्स और एक हमारा जो बैंड। अब आप इसके बारे में सोच रहे हैं कि हमने इसको क्यों लगाया है, पहले तो हम जो अब एक्स्ट्रा है उसको ट्रिम कर देंगे, ये जितना एक्स्ट्रा हमारे थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि हम इसको फोल्ड करके अभी स्टिच कर देंगे। तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हम निकाल रहे हैं और अब हम इसको हेमिंग हाथ से, खाली एक जो लाइन है वो हम हाथ से सिल देंगे, तो आपका ये रिवर्सिबल बैग रेडी हो जाएगा। मैं हमेशा डबल धागा लेती हूँ ताकि थोड़ा ड्यूरेबल ज्यादा रहे और ज्यादा ये चले। और इस तरह से हमारा अब ये हेमिंग खत्म हो गया है और ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी है। बस एक छोटा सा डिटेल हमें और करना है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये अब हमने दो साइड बना दिया है, आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं और अंदर की तरफ से भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा फूला फूला लग रहा है, तो एक बस इसको हम ये डिटेल से इसको सेट कर दें। इसके लिए कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ एक सिलाई करनी है ऑल अराउंड। तो हम अपनी सोइंग मशीन के अंदर से ये बैग निकालते हैं चारों तरफ होगा। और याद रखिएगा जब हमने इसको हेमिंग करना शुरू किया था तो हमने इसको भी हेम करके स्टार्ट किया था, ये जो दो एंड्स हैं उसको भी हमने हेम कर दिया था। तो इसके लिए सारी तरफ से बंद है और अब हम बस इसको एक सर्कल दे देंगे, एक पूरा राउंड दे देंगे और ये हमारा टोट बैग रेडी। बीच बीच में आप अपना इसको घुमा लीजिए ताकि वो कहीं डिस्टेंस से परे ना हो, तो क्वार्टर इंच के फिनिश में ही आए। और अब ये बैग हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, बिल्कुल फिनिश हो गया है। एंड आई होप कि आप इसको जरूर बनाएंगे और इसको, जैसे मैं कह रही हूँ, एक टीम वर्क, फैमिली टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज की तरह भी यूज करिए और बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज बनाइए फॉर द लाइफ टाइम।